नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट राजमार्ग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कुमाऊं मंडल में सड़कों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान 5 सड़कों के मामले में वन विभाग में भूमि हस्तांतरण को लेकर लंबित पाए गए। इसके अलावा काशीपुर और बागेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा किए जा रहे सड़कों के काम में भी देरी पाई गई। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट राजमार्ग के अधिकारियों से जल्द सड़कों के कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्य प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य संतोषजनक हो रहा है। जल्द से जल्द पहाड़ व मैदानी इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, तो NHAI का और जो हमारा स्टेट PWD का NH है, आप दोनों की आज मैंने मीटिंग ली और मुख्यतः जो काम चल रहे हैं उनकी प्रोग्रेस और कहाँ पे अड़चनें आ रही हैं उसको दूर करने के संबंध में था। प्रोग्रेस इसकी मोरलेस सेटिस्फैक्ट्री है। केवल काशीपुर वाला ROV हमारा ज़्यादा डिले हो गया है और लगता है इस साल के अंत तक ही उसका शेड्यूल अभी जो दिया गया है उसमें वो पूरा हो पाएगा। और पहाड़ों में जो काम चल रहे हैं हमारे, उसमें अल्मोड़ा में जो दनिया वाला स्ट्रेच है उसमें प्रगति थोड़ा धीमी 50% है। तो वहाँ के DM साहब को भी कहा है इसको रेगुलरली वो मॉनिटर करें और कोई दिक्कतें अगर NH को आ रही हैं तो उसको भी दूर करें। एक जो तीसरा काम पहाड़ों में जो बागेश्वर को सड़क जोड़ती है अल्मोड़ा से, उसकी वाइडनिंग प्रपोज्ड है। उसमें कुछ जगह जो मुआवजे बांटे जाने हैं, जो अवार्ड्स दिए जाने हैं किसानों को, उसके स्तर पर थोड़ा सा डिले है। यही डिले थोड़ा रुद्रपुर बाईपास पर भी है और जो प्रपोज्ड ठाकुर द्वारा काशीपुर जो रोड है उसमें भी ये वाले इशू। ये खबर तैयार की है हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। तो अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।